That's my new track. It would be hit. Beat तो ठीक है पर इसमें सुर कहाँ है? अरे जियान मैं मजाक कर रहा था. तुम बिल्कुल नहीं बदले यार. तुम्हें पता है मेरे 2 मिलियन लिसनर्स हैं Spotify पे. तो थोड़ा ना कम बोला करो. तुम लोग बिल्कुल नहीं बदले यार. अरे डे किसोगी, हम तो नोबिता के घर जा रहे थे ना. भारव कुछ दिखाना है. हाँ यार, काफी टाइम हो गया उससे मिले हुए. क्या कर रहा है वो आजकल? ये जगह याद है? अरे ये तो वही जगह है ना जहाँ अपन सारे बेसबॉल खेला करते थे. ये जगह तो बिल्कुल नहीं बदली यार. एग्जैक्टली. कितना फन किया करते थे यार हम बचपन में, है ना? और यही मैं अपने गाने की प्रैक्टिस किया करता था. मैं हूँ जियान. अरे भाई तू दोबारा स्टार्ट मत हो. तुम दोनों को डोरेमोन याद है? उसे कैसे भूल सकते हैं? उसने हमसे इतने सारे वादे किए और बिना पूरे करे गायब हो गया, बिना कुछ बोले. अच्छा तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी? डोरेमोन के गायब होते नोबिता कितना बदल गया. डू यू नो टाइम पैराडॉक्स? टाइम पैराडॉक्स. डोरेमोन, क्या तुम मुझे अपना वो वाला गैजेट दे सकते हो जो तुमने मुझे लास्ट टाइम दिया था? मैं उस जियान को सबक सिखाना चाहता हूँ. क्या तुम मुझसे फिर से नाराज हो? मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूंगा पर प्लीज मुझे अपना वो वाला गैजेट दे दो ना. वो जियान हमेशा सुजुका के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता है और तुम तो जानते हो मैं सुजुका को कितना पसंद करता हूँ. प्लीज डोरेमोन. क्या है डोरामी? डोरेमोन तब से ऐसे ही बैठा हुआ है, ना हिलता है और ना ही कुछ बोलता है. मुझसे बात तक नहीं कर रहा. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. What? I think डोरेमोन का बैटरी बैकअप खत्म हो गया है. ओह, तो बस इतनी सी बात थी. मैं तो फालतू में घबरा गया था. क्या तुम उसकी बैटरी बदल सकती हो डोरामी? ये इतना आसान नहीं है नोबिता. मतलब? पुरानी कैट टाइप रोबोट्स का मेमोरी सपोर्ट सर्किट उनके कानों में होता है जिसका इस्तेमाल बैटरी चेंज करते वक्त होता है. और जब से डोरेमोन ने अपने कानों को खो दिया है उसके पास मेमोरी बैकअप नहीं है. अगर हम डोरेमोन की बैटरी चेंज करते हैं तो उसकी मेमोरी हमेशा के लिए चली जाएगी. तुम्हारे साथ पिता हर पल डोरेमोन की मेमोरी से चला जाएगा. ही विल बी न्यू रोबोट टू यू. क्या? हाउ इज दिस पॉसिबल? एक बैटरी की वजह से डोरेमोन की मेमोरी चली जाएगी? ये क्या नॉनसेंस है? कांट वी जस्ट टेक हिम टू द फ्यूचर फैक्ट्री? टाइम पेट्रोल ये अलाउ नहीं करेगा नोबिता. दिस इज द फर्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ है. व्हाट शुड आई डू? अगर मैं डोरेमोन की कार उसे वापस दे देता हूँ तो क्या उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी? मैं उसकी पॉकेट से गैजेट निकाल के उसे ठीक कर सकता हूँ. तुम ऐसा नहीं कर पाओगे नोबिता. क्यों? यू कांट यूज द पॉकेट व्हेन देयर इज नो पावर. ये हो क्या रहा है? हम डोरेमोन के क्रिएटर्स को यहाँ नहीं बुला सकते? आई नो तुम्हें कैसा लग रहा है नोबिता पर ये इतना आसान नहीं है. दिस इज सच अ क्रिटिकल कंडीशन और हमारे डिजाइन को सीक्रेट लेयर से प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि हम खुद और रोबोट्स ना बना सके. नोबिता, मे बी ये वीडियो कॉल ज्यादा देर तक ना चल पाए क्योंकि टाइम पेट्रोल फ्यूचर वीडियो कॉल्स को डिसेबल कर देगा. दे आर टू ऑप्शंस. व्हाट आर दे? पहले हम डोरेमोन को फ्यूचर फैक्ट्री ले जाएं टाइम पेट्रोल के खिलाफ जाके. डोंट नो, मे बी उसके बाद मैं और डोरेमोन दोनों तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएं. और दूसरा? हम फ्यूचर में डेवलप होने वाली टेक्नोलॉजी का वेट करें और तब तक डोरेमोन को ऐसे ही रहने दें. थर्ड आई विश यू
मुझे तो पता है यार, हमेशा की तरह एक ही सोगी फर्स्ट टाइम। नोबिता जियान, नोबिता फर्स्ट आया, ये तो गजब हो गया ना, तुम भी पास हो गए हो। नोबिता दिस इज अमेजिंग, तुमने फिर से हाई स्कोर किया। हाँ नोबिता, अब तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। थैंक यू शिजुका, डेगी सुगी, बट मैं मार्क्स के पीछे नहीं भाग रहा हूँ यार, ये काफी नहीं है, मुझे भी बहुत मेहनत करनी है। नोबिता अगर तुम इतना अपने माइंड पे प्रेशर दोगे तो इट वॉन्ट बी गुड फॉर योर हेल्थ। एक काम करते हैं, पिकनिक चलते हैं, वही अपनी पुरानी जगह हिल्स। यू आर राइट, मैं सुनी और जियान को भी बुला लेता हूँ। लेट्स हैव सम फन। शिजुका, टेगिसुगी, आई नो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूं, बट देयर इज अ लॉट जो मुझे अभी भी सीखना है, पढ़ना है, तो फिर कभी चलता हूँ। तुम्हें नहीं लगता जब से डोरेमोन गया है नोबिता कितना बदल गया? Whatever it is, I know he's going through a hard time. He's a strong guy. वो जो करेगा ठीक करेगा। Well, मैं कोशिश करूंगी कि वो आए। डोरेमोन, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे न्यू ईयर पे, और तुमने मुझसे कहा था कि मेरी जिंदगी बकवास होने वाली। Did you mean it? Because I feel it now. हम साथ में कितनी जगहों पर गए हैं, नहीं? कभी पास्ट तो कभी फ्यूचर। हमने साथ में कितनी मस्ती की है। मैं हमेशा तुमसे तुम्हारे सिर्फ गैजेट्स मांगता था और तुमने मुझे कभी मना नहीं किया। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे पर तुमने मुझे हमेशा संभाला डोरेमोन, जैसे वो तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम हो। मैं तो आज तक तुम्हें ढंग से थैंक यू भी नहीं बोल पाया हूं, पर यकीन मानो मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं डोरेमोन। माना हम बहुत लड़ते थे पर अंत में हम सब साथ होते थे। ये कैसी नाराजगी है डोरेमोन, कुछ तो बोलो डोरेमोन, कुछ तो बोलो डोरेमोन। टाइम पैराडॉक्स, अगर तुम पास्ट में पीछे चले जाओ और वहां पे कुछ ऐसा कर दो जिससे तुम्हारा फ्यूचर अफेक्ट हो, आई गेस दिस इज कॉल्ड टाइम पैराडॉक्स। दैट्स माय बॉय। मुझे भी थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। इट्स नॉट अबाउट स्टडी, इट्स अबाउट विल एंड विजन। और आज हम जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ये सालों पहले किसी का विजन रहा होगा और समय के साथ ये रियलिटी में बदल गया। फ्रॉम लिटिल टू दिस कार। तू कहना क्या चाहता है? पॉइंट ये है कि हम सब अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं, लेकिन ये यूथ किधर जा रहा है, दे हैव नो आइडिया। इसलिए मुझे लगता है ये सब पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट्स नॉट पॉसिबल, क्या मुमकिन नहीं है? गाइस वेक अप, हम सबको पता है फ्यूचर में डोरेमोन को बनाया जाएगा, बट उस फ्यूचर के लिए आज कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा है। हाँ, हम सब जानते हैं कि डोरेमोन को फ्यूचर से पास्ट में भेजा गया था और वो फ्यूचर आज है। अगर आज हमने डोरेमोन को बनाने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया तो वो पास्ट में हमारे पास कभी आएगा ही नहीं, एंड द साइकिल विल ब्रेक। ओह, दैट्स व्हाई यू वर टॉकिंग अबाउट टाइम पैराडॉक्स। ये सब तो बचपन की बातें थी। याद है सुनियो कि बचपन में हम लोग क्या क्या इमेजिन करते थे, कि जब हम बड़े होंगे तो स्पेस ट्रैवल करेंगे और वहीं पे पिकनिक जाएंगे,
पर देखो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉट ओनली दिस, ट्यूब्स के थ्रू ट्रैवल करना, घर में एक रोबोट काम वाली, और मशीन का एक बटन दबाओ और खाना सामने। इन्हीं इमेजिनेशन की वजह से मैं एक सीरियस स्टूडेंट बन गया था, और यही रीजन था मैं तुम लोगों के साथ खेलने कूदने नहीं आता था। मैं शायद सोचने लगा था और मानता था कि शायद ये चीजें हो सकती। क्या वो यही वजह थी? पर जरूरी बात यह है कि वो सारी इमेजिनेशन सच साबित हो चुकी है, और हमारी दुनिया के बीच एक ऐसा इंजीनियर है जिसने खुद के बलबूते पर अपनी सारी इन्वेंशन से आज की दुनिया को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है, और उसके इन्वेंशन के साथ ये दुनिया छेड़छाड़ ना कर सके, इसलिए फ्यूचर से एक सीक्रेट मैसेज हमारे वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट को भेजा गया। एक सेकेंड, कहीं वो इंजीनियर? जब हमसे कोई दूर चला जाता है तो ये दुनिया, भगवान या कोई फरिश्ता हमसे वादा नहीं करता कि वो वापस आएगा या नहीं, लेकिन किसी के वापस आने को हम अपनी जिंदगी का मकसद बना लें तो ये तकदीर उसे कहीं ना कहीं किसी तारीख पर वापस लिख ही देती है। और इस बीच हम क्या करते हैं? हम बस एक फासला तय करते हैं। सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार मैं किसी का सपना हूं जो आज बन चुका हूं सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूं। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, मैं हूं एक उड़ता रूप हो डोरे मां। मानो या ना मानो, मैं हूं एक उड़ता रूप हो डोरे। हाय गाइस, दिस इज दुष्यंत कपूर और अंकित वत्स्या है नहीं, तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना यार, और सब्सक्राइब कर देना है ना, और बेल आइकन दबा लेना, और इंस्टाग्राम के लिंक्स दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ फॉलो करो, और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ यार क्या पसंद आया वीडियो के अंदर ना, बहुत मेहनत करके बनाई है, तो लव यू ऑल।